हिंदुस्तान की जितनी हिंदुस्तान में काम करने वाली जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं सभी एक कानून का उल्लंघन करती हैं, उनके साथ एक समझौता होता है सरकार का जिसको आप सब जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो एमओयू में जो शर्तें होती हैं एक भी शर्त को एक भी कंपनी नहीं मानती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, हमारे देश में अमेरिका की दो कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला, दूसरे का नाम है कोका कोला। इनके साथ भारत सरकार का जब एमओयू साइन हुआ तो उसमें शर्त है कि ये दोनों कंपनियां जब $5 विदेशों से कमाकर भारत को लाकर देंगी तब ये $1 भारत से ले जाने की अधिकारी होंगी। माने ये कंपनियां भारत से अगर पैसा ले जाना चाहें तो $1 ये तब ले जाएंगे जब $5 कमाकर भारत के धन कोष में जमा कर देंगे। आप जानते हैं भारत का विदेशी मुद्रा कोष होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, तो $5 विदेशी मुद्रा भंडार में एक एक पेप्सी और कोका कोला जब जमा कर देगी लाकर एक्सपोर्ट करके तब ये $1 का इंपोर्ट करेंगे। ये इनके एमओयू में कंडीशन है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में दोनों कंपनियों ने इस कंडीशन का आज तक पालन नहीं किया है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये कंपनियां $5 यहां से लेके जा रही हैं तब $1 लेके आ रही हैं। तो एमओयू की जो सबसे प्रमुख शर्त है उसका उल्लंघन हो रहा है। हमारी सरकार के द्वारा मंत्रालय ने जो साइन किया है एग्रीमेंट उसका उल्लंघन हो रहा है। हम इनको कोर्ट में घसीट सकते हैं और बहुत आसानी से इस पर फैसला ले सकते हैं। एक इसी तरह की एमओयू की शर्त है कि पेप्सी और कोका कोला कंपनी भारत देश में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेचेगी। पानी जो बोतल में भरा हुआ जिसको कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं वो नहीं बेचेंगे। इनका भारत में आने का मुख्य मकसद है और एमओयू की कंडीशन है कि भारत के किसानों का आलू टमाटर प्याज गोभी पत्ता गोभी गाजर आदि आदि जो फल हैं सब्जियां हैं जो हर साल 60,000 करोड़ के खराब हो जाते हैं उनको प्रोसेस करके ये भारत में और भारत के बाहर विदेशों में बेचेंगे। प्रोसेस करके बेचेंगे, कच्चा माल भी नहीं बेच सकते, प्रोसेस करके बेचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में यह है कि इन कंपनियों का जो प्रोसेस किया हुआ टमाटर आलू आदि का खाद्य पदार्थ है वो बहुत मामूली सा बिक रहा है और पूरे हिंदुस्तान में इनका सॉफ्ट ड्रिंक बिक रहा है जो बेचने की इनको परमिशन नहीं है। फिर एक तीसरी कंडीशन है एमओयू की, वो ये है कि पेप्सी और कोका कोला कभी भी अपने ब्रांड नेम से कोई चीज भारत में नहीं बेचेंगे। माने पेप्सी नाम से कुछ नहीं बिकेगा, कोका कोला नाम से कुछ नहीं बिकेगा, वो अपने ब्रांड नेम का भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में एमओयू की ये शर्त का भी वो उल्लंघन कर रहे हैं, उनके अपने ब्रांड नेम से सारी चीजें इस देश में बिक रही। फिर एक एमओयू की शर्त है जो बहुत महत्व की है कि पेप्सी और कोका कोला वाले कहीं भी फैक्ट्री लगाएंगे और वहां अगर पानी की जरूरत उनको पड़ेगी, मान लीजिए साल में एक फैक्ट्री को 10 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो पहले वो 10 लाख लीटर बारिश का पानी जमीन के नीचे डालेंगे जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, तब वो 10 लाख लीटर पानी निकालकर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इनके किसी भी कारखाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है, एक बूंद पानी भी जमीन में नीचे नहीं डालते हैं, वो सारा जमीन में से निकाल रहे हैं और गांव के गांव पानी से वंचित हो गए हैं। अगर यहां राजस्थान के कोई न्यायविद आए होंगे तो उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप एक छोटी सी टीम बनाइए, जयपुर के पास एक गांव में जाइए, उस गांव का नाम है काला डेरा, उस काला डेरा में पेप्सी कोला का प्लांट लगा हुआ है। उन्होंने पिछले 4-5 साल में पानी इतना निकाल लिया है जमीन से कि काला डेरा गांव के आसपास के 50 गांवों का पानी सूख गया है। अब उस गांव के किसानों को पीने के लिए पानी लाने के लिए टैंकर मंगाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जानवरों के पानी की व्यवस्था के लिए, सारा पानी पेप्सी कोला कंपनी ने खर्च कर दिया। ऐसी एक नहीं बहुत सारी शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनी भारत में आएगी, एक भी व्यक्ति का रोजगार अगर उनके कारण जाएगा तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, माने वो किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों कंपनियों ने भारत में आकर क्या किया, हमारे देश के जो स्वदेशी बॉटलिंग प्लांट थे, आपको मालूम है एक कैंपा कोला हुआ करता था, एक 77 हुआ कर सकता होता था, एक फेंटा हुआ करता था, तो ये स्वदेशी बॉटलिंग प्लांट थे सॉफ्ट ड्रिंक्स के, इन सबको
टेक ओवर किया पेप्सी और कोका कोला ने, खरीदा, फिर इनमें से हजारों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और बहुत थोड़े से कर्मचारियों के साथ उनका अब बॉटलिंग प्लांट चल रहा है। तो मैंने आपको ये पेप्सी कोला का नाम लेके कहा, इनके एमओयू की एक भी शर्त ये नहीं मानते हैं, सब शर्तों का उल्लंघन करते हैं और धड़ल्ले के साथ भारत में व्यापार करते हैं। तो हम सब अगर न्यायविद इस पर काम करें और एक अच्छी सी पिटीशन ड्राफ्ट करें और हिंदुस्तान के अलग अलग अदालतों में, मेरा यह मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां पेप्सी और कोका कोला का प्लांट है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम पिटीशन फाइल करें, बाद में वो हाई कोर्ट जाएगा तब देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब देखेंगे, हर जिला अदालत में ये पिटीशन फाइल हो जाए और एक साथ भारत के 680 जिलों में पिटीशन आ जाए, तो पेप्सी और कोका कोला वालों की नींद हराम तो हम कर ही सकते हैं, हिंदुस्तान से उनको भगाने की रास्ते तो खोल ही सकते हैं। उनको पता क्या चल जाएगा कि संसद में बैठे हुए 545 एमपी जो आज तक उनका समर्थन कर रहे हैं, अब उससे बड़ी ताकत हिंदुस्तान के जिलों में खड़ी हो गई है जो इनकी खाट खड़ी कर देंगे या इनकी जड़ खोद देंगे। तो बहुत आसानी के साथ हम एक फैसला किसी भी अदालत से, आपको मालूम है हिंदुस्तान के संसाधनों के बारे में इस देश की सरकार का बहुत स्पष्ट अभिप्रेत है, वो ये कि पानी सबसे पहले खेती के लिए है, उसके बाद जानवर और मनुष्यों के लिए है, उसके बाद उद्योगों के लिए है और सबसे अंत में बचे तो गैर जरूरी उद्योगों के लिए है। पेप्सी और कोका कोला का जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो हमारे देश की परिभाषा के अनुसार गैर जरूरी है, अननेसेसरी इंडस्ट्री है, उसके लिए पानी तो सबसे अंत में है, सबसे पहले पानी खेती के लिए, दूसरे नंबर पर हमारे और जानवरों के पीने के लिए और उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए, और इंडस्ट्रीज में भी एसेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए पहले, नॉन एसेंशियल्स के लिए सबसे अंत में। तो पेप्सी कोक की इंडस्ट्री नॉन एसेंशियल है, हम इनको आसानी से अदालत में खड़ा कर सकते हैं।